इस मंच पर उपस्थित बौलादपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई अनंत प्रताप देव जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष मनोज यादव जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष लालू राम जी और इस मंच पर इंडिया गठबंधन के तमाम साथीगण और भगतपुर बाजार में उपस्थित तमाम नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, मतार बहनों, व्यवसायी भाइयों, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, झारखंडी जोहार करता हूं। साथियों, चुनाव के पहले हम लोगों ने आपके बीच में आशीर्वाद मांगने आया था विधायक बनने के लिए, माननीय अनंत प्रताप देव जी के विधायक बनाने के लिए, लेकिन चुनाव बाद हम लोगों ने आपके बीच में आभार प्रकट करने आया हो, आपको बधाई देने आया हो और अपने क्षेत्र में भवनाथपुर में, भवनाथपुर प्रखंड में विभिन्न गांव में, विभिन्न वार्डों में कैसे विकास हो, इसके लिए भी आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, आपसे सहयोग लेने आए हैं। दोस्तों, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार दो तिहाई बहुमत से बन गया है और हम लोग जब चुनाव में जनता के बीच में जाते थे, आपके बीच में जाते थे, जब जनता के जन सवालों को उठाते थे, जब आपके मुद्दों को उठाते थे, तो हमारे विरोधी ये कहा करते थे कि ये चुनावी सुगुफा है, ये चुनावी वादा है, ये चुनावी नारा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अब चुनाव नहीं है, अब काम करने का समय है। हम किसी को विरोध करना नहीं चाहते, हम काम करना जानते हैं और ये 5 साल का जो जिम्मेवारी आप लोगों ने इंडिया गठबंधन और हमारे नेता अनंत प्रताप देव जी ने दिया है, एक एक व्यक्ति पर, हर लोगों को यहाँ के समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। लोग चुनाव के पहले कहते थे कि हम 5-5 विधायक हो जाएगा, ताहिर अंसारी मालिक बन जाएगा। मालिक भवनाथपुर की जनता है और भवनाथपुर के मालिक जनता जो आदेश देगा वही हम लोग करेंगे और माननीय अनंत प्रताप देव करेंगे। हमारे विरोधियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, हम समाज को चाहते हैं आगे बढ़ाना। और कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि पावर प्लांट लगाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, चुनौती 4 दिन में पेट फाटे लगा। मैं कह रहा हूँ, पावर प्लांट भी लगेगा, बेरोजगार भी दूर होगा। और तुम कहता था कि हेमंत सोरेन की सरकार में खाली कब्रिस्तान बनता है, मैं आज भी कह रहा हूँ, अपने वक्त पर कायम हो कि कब्रिस्तान भी बनेगा, श्मशान भी बनेगा, दीवार बाबा के धाम भी बनेगा, देवी मैया का मंदिर भी बनेगा। ये भारत बाबा साहब के संविधान से चलता है और हम लोग, हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन, ये मोहब्बत की राज लाना चाहते हैं हम लोग मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, हम एकजुट करना चाहते हैं। जो समाज एकजुट रहेगा, जो क्षेत्र एकजुट रहेगा, जो विधानसभा एकजुट रहेगा, वो क्षेत्र का विकास दोगुनी होगा। यह नफरत की आप बात नहीं होगा, यह मोहब्बत की बात होगा। और सब लोग इस देश के नियम कानून से बंधे हुए हैं, देश के संविधान के नीचे रहने वाले हैं और संविधान से और देश से कोई बड़ा नहीं है। और इसलिए आप लोगों ने जो हम लोगों को समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है और अपना मत दे करके छोटे राजा जी को विधानसभा में भेजा है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के काम किया है, हम लोग प्रयास करेंगे आपके सहयोग से, आपके आदेश से, कि जो भी हम लोगों ने वादा किया है वह एक एक वादा हम पूरा करेंगे और सभी लोगों को काम करेंगे। और खास करके मैं भवनाथपुर के व्यवसायी भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपको चुनाव के पहले आपको भयभीत किया गया था, आपको डर दिखाया गया था,
लेकिन आपने भ्रमित नहीं हुआ, आपने डरने के काम नहीं किया। आप भरोसा करिए छोटे राधा जी पर, ताहिर अंसारी पर, तमाम लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान का ख्याल रखा जाएगा। जब भी जरूरत होगा आप अपने नेता के पास, छोटे राधा के पास आप फोन करिए, उनके घर पर जाइए, अगर इनसे मुलाकात नहीं होता हमको बताइए, आपका कभी भी कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा। आप सब लोग मिल करके हम आपका काम करेंगे, आपका आपका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। इन्हीं जनसंघों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आभार।